इतनी एक्सेसरीज लगवा दी है कि मैं अब इसमें क्या आप लोगों को बताऊं। भैया आप ही बताओ क्या क्या एक्सेसरीज लगी है। मेरे ख्याल से सभी कुछ लगा दिया है, शोरूम में तो कुछ था ही नहीं अवेलेबल और आपके पास लगभग सब कुछ मिल गया है। फाइनल होने के बाद हमने इसके ऊपर टैंक टाई और ये जो है टूल बॉक्स के हैंडमेड, मतलब ये जो स्टिचिंग है ये सारी स्टिचिंग हो रखी है, हैंडमेड स्टिचिंग है लेदर में। और ये देखिए टैंक टाई और आप सारा इसका जो है रोज गोल्ड का काम तो देख ही रहे हैं। और आप इसके जो है सिनेमेटिक देखेंगे, वॉक राउंड देखेंगे, ये जो हैंडल राइजर लगा ना इसमें, ये देखिए ये हैंडल राइज कर दिया गया। अगर आप इसको हंटर को देखेंगे फैमिली, मैं हूं अपनों का कमल आरन। सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये है 411 स्क्रैम हिमालयन और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक हमने गाड़ी बनाई है ES मॉडल जिसको इलेक्ट्रा कहते हैं, उसको रोज गोल्ड किया है और एक हंटर जिसके अंदर भैया ने सब कुछ लगवाया है, वो भी देखिएगा क्या क्या है। और ये गाड़ी तो आप देख ही रहे हैं और इनसे भी आपको बात करवाएंगे कि क्या क्या लगा इसके अंदर। जैसे आप देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसके अंदर क्या क्या लगा। इसके अंदर सबसे पहले क्रैश गार्ड लगे हैं स्टेनलेस स्टील के और इस नाम को तो मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ये नाम पूरा फेमस है। और ये पाउडर कोटेड है, स्टेनलेस स्टील है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ हैं। उसके बाद इसमें सैडल स्टेज लगे हैं और अगर घुमा के मैं इधर से दिखाता हूँ तो पूरी गाड़ी लामिनेशन हुई है और यहाँ MC कवर जो है रॉयल एनफील्ड रेड कलर का बड़ा सुंदर लग रहा है, ये भी लगा है। और ये भैया ने जो है अपने हिसाब से लगवाया है। और इधर आते हैं तो इधर मास्टर सिलेंडर, इधर ऑयल कैप, इधर मास्टर सिलेंडर कैप, ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिल जाती हैं। और कोई भी आपको चीज़ चाहिए या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करनी है, अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप 9810105351 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करनी है तो आप 9910115061 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ भाई ऐसे आते हैं जो मेरी कही हुई बात को ना बिल्कुल कहते हैं, कमल भैया आप ना सही नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, तो वो मैं इसलिए भी हंस रहा हूँ कि इतनी एक्सेसरीज लगवा दी है कि मैं अब इसमें क्या आप लोगों को बताऊँ। भैया आप ही बताओ क्या क्या एक्सेसरीज लगी है। मेरे ख्याल से सभी कुछ लगा दिया है, शोरूम में तो कुछ था ही नहीं अवेलेबल और आपके पास लगभग सब कुछ मिल गया है। हैंडल चेंज कराया है, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है और नकल हेड्स लगवाए हैं जस्ट फॉर सेफ्टी, लेग गार्ड्स लगवाए हैं सेफ्टी के लिए, आपने ये एक्स्ट्रा लगा कर दिया है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस स्लाइडर। थैंक यू। और इसमें पीछे ये मड के लिए लगाया है कवर विच इज़ अगेन वेरी गुड बिकॉज इसका काफ़ी ऊँचा मड गार्ड है, सो आई थिंक दिस इज़ गुड। कुछ और चीज़ मुझे चाहिए इसके अंदर जो मैंने भैया को ऑर्डर किया है, एक मोबाइल कवर लगवाया मैंने और छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर हैं, ये एक टैंक पैड लगाया है ताकि इसमें, और लैमिनेशन पूरी बाइक लैमिनेट की है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। वन मोर थिंग, दिस हाँ विंडशील्ड, करेक्ट करेक्ट, इससे पूरा लुक ही चेंज हो गया है, बाइक है स्टार्टेड लुकिंग वेरी स्पोर्टी एंड मैचो, सो आई एम लाइकिंग द बाइक नाउ, नेकेड बाइक से बहुत अच्छी लग रही है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग ऑल द एक्सेसरीज। दिस इज़ माई प्रॉब्ली सेकेंड विजिट आफ्टर क्लासिक and looking forward to come here again. Thank you so much, sir. Thank you. And thanks to you also that जो आप लोग ट्रस्ट मेरे पे करते हैं और जो काम होता है ये उसी का नतीजा है कि गाड़ी कुछ ऐसे बन के जाती है। हमने ना अभी भी जो एक्सेसरीज है वो ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसको ओवर कर दिया, ये भी चीज़ जो है मतलब सब कुछ नेसेसरी है। हाँ, क्योंकि क्रैश गार्ड हमें ज़रूरी था, अब क्रैश गार्ड को हमने यहाँ पर इसलिए ये लगा दिया ये वाला स्लाइडर कि अगर किसी को चोट भी लगती है तो उसको इस प्लास्टिक से प्रॉब्लम नहीं होगी। नकल गार्ड हमारी ज़रूरत है कि हमारी उंगलियों को या उसको सेफ्टी हो, हैंडल बैक पॉस्चर के लिए वो हमने स्टेनलेस स्टील का कर दिया, विंडशील्ड हमने सारी चीज़ों को छुपा दिया, और मोबाइल होल्डर तो हमें लगाना ही लगाना है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी एक्सेसरीज मुझे भी नहीं दिख रही कि हमने कुछ जबरदस्ती, नहीं भैया ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ये दोस्तों इस तरीके के मेरे भाई आते हैं जो कि मुझे भी एडवाइस देते हैं कि कमल हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर स्टाफ सर, थैंक यू सो मच। अब एक बार पंकज आप गाड़ी दिखा दीजिए क्या क्या इसमें हुआ, एक छोटा सा वॉक राउंड दिखा दीजिए।
ओल्ड बुलेट। भाई आप कहाँ से हैं और आपने कैसे हमें ढूंढा और ये गाड़ी आपने हमसे तैयार करवाई, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे रॉयल बुलेट परिवार को। सर मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ एंड मैं आपकी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करता था। थैंक यू। तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील वगैरह भी देखी थी जी, देन मैंने और जगह भी पता किया था, बट मैंने फिर रिव्यूज पे गया सीधा सीधा, तो उसमें मेरे को आपने हेल्प की जी एंड रिजल्ट आपके सामने ही है। तो गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये साउथ अफ्रीका जा रही है। साउथ अफ्रीका जा रही है, तो मतलब इसमें हमारा भी गुड लक है कि गाड़ी साउथ अफ्रीका जाएगी रॉयल बुलेट से रेडी होके। जी बिल्कुल, वहाँ पे सब पूछेंगे भी तो वहाँ से भी रिकमेंडेशन आएगी आपको। थैंक यू। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात करें, मैंने इस तरीके की गाड़ियाँ जो देखी हैं लोग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये मांगते हैं, आप खुद बताइए कि क्या प्राइसिंग आपसे हमने ली है? सर मेरे को टोटल ओवरऑल 75,000 पड़ा है, इंक्लूडिंग टायर्स अलॉय पेंट जॉब एवरीथिंग, एंड मेरा रोज गोल्ड मेरे को कराना था बिल्कुल, और अच्छा भी लग रहा था मेरे को। ठीक है, और कोई मैसेज देना चाहेंगे रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप? सर मैं सबको यही बोलूँगा, अगर किसी को भी अपनी बाइक मॉडिफाई करानी है तो आप इनके पास आ सकते हैं, एंड इनके ऑफकोर्स आप रिव्यू चेक कीजिए, मार्केट में प्राइस चेक कीजिए, इस कॉस्ट पे आपको कोई ये मॉडिफिकेशन नहीं दे सकता आई कैन बेट इट, क्योंकि फाइनल होने के बाद हमने इसके ऊपर टैंक टाई और ये जो है टूल बॉक्स के हैंडमेड, मतलब ये जो स्टिचिंग है ये सारी स्टिचिंग हो रखी है, हैंडमेड स्टिचिंग है लेदर में, और ये देखिए टैंक टाई, और आप सारा इसका जो है रोज गोल्ड का काम तो देख ही रहे हैं, और आप इसके जो है सिनेमेटिक देखेंगे, वॉक अराउंड देखेंगे। तो डियर ब्रदर मैं आपको थैंक्स करूंगा कि आपने रॉयल बुलेट पे फेथ किया और आपने अपनी गाड़ी अपनी टमटम इस तरीके से तैयार कराई। गॉड ब्लेस यू, साउथ अफ्रीका में चलाओ, कैप टाउन में चलाओ, और अपना भी नाम रोशन करो, रॉयल बुलेट का नाम भी रोशन करो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब जैसे ये हिमालयन हमने रेडी की है, इसमें हेडलाइट लगी है माइनस की, इसमें फॉग लैंप्स लगे हैं, और उसके बाद ये ना पूरी गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंटल थी, ये हमने पूरा रिपेयर किया है इसको, ये बिल्कुल जेन्युइन किट्स लगी हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ वो लगाओ कि हमने इसको पूरा डूम बदल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ क्लोज से देखेंगे तो हल्का सा कट है, ये हम लोगों ने चेंज कर दिया है, और फॉग लैंप्स के साथ साथ फिर यहाँ आते हैं तो इसमें ये जो है टॉप बॉक्स, जी हाँ टॉप बॉक्स लगा दिया गया है कि इसके अंदर 45 लीटर का। तो ये तो हुई है हिमालयन, ये तो आप लोगों को पता है कि कमल भैया की फेवरेट बाइक है। इसमें जो है हम लोगों ने हैंडल राइज किया है एज़ पर कम्फर्ट, और इधर ये जो है ग्रिल लगाया है हेडलाइट का, और इसमें भी जो पीछे है वो मड के लिए, ये देखिए इसमें भी पीछे मड के लिए जो है ये लगा दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसी तरीके का ये सारा काम आप देख सकते हैं कि रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड पे चल रहा है, और भैया उत्तराखंड से आए हुए थे यूके, और ये देखिए लगे हुए बिजी हैं, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड की फैमिली है, सारा काम करा के जो है अब ये जा रहे हैं। भैया उत्तराखंड कौन सी जगह से? उत्तराखंड, वैसे घर मेरा देहरादून में है, क्या बात, पर मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। ओके, आपकी विजिट थी हमारे पास, कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैंने रिव्यू भी डाला है आपका गूगल के ऊपर, थैंक यू सो मच। तो एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी सारे चेकबॉक्स टिक है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल, थैंक यू। अब एक अगर आप यहाँ स्क्रैम देखेंगे तो इसके अंदर क्रैश गार्ड रेड कलर के पाउडर कोटेड, उसके बाद ये सेडल स्टेज जो हैं, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी टैंक टाई लग रही है, हैंडल भी चेंज कर दिया गया क्योंकि इनको कंफर्ट चाहिए था, तो इसमें RD 350 का स्टेनलेस स्टील का हैंडल लगा दिया गया, और यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, ये देखिए, और ये है स्क्रैम, ये पूरी रेडी होने के बाद भी इसमें भी जो है पीछे मड के लिए लगाया जा रहा है कि पानी या कीचड़ या कोई चीज़ वो पीछे ना फेंके, और ये डायरेक्ट फिट की चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर कोई जुगाड़ वाला कोई सिस्टम नहीं है कि हम कुछ जुगाड़ कर रहे हों, और हमारे जीतू भाई जो रॉक्स चाह रहे हैं हमारे रॉयल बुलेट के, वो फिटिंग कर रहे हैं टीम रॉयल बुलेट, तो ये सारी चीज़ें लगती रहती हैं और ये ऐसे ही काम होता रहता है। इधर मेटियोर का काम चल रहा है, अगर इधर देखेंगे पंकज दिखाएंगे आपको, क्रैश गार्ड है, फॉग लैंप्स हैं, और उधर भैया जो हैं वो भी दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं, जिसमें अलॉयज ट्यूबलेस टायर्स और वो जो है ES मॉडल है उसमें भी काम चल रहा है, तो ये सारे काम चल रहे हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि ये है आपका अपना स्टोर जिसका नाम है रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड करोलबाग न्यू दिल्ली। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है, फिर अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा, और जैसे आपने देखा कि हंटर कितनी शानदार जो है एक्सेसरीज हुई है, सारी एक्सेसरीज हंटर की अवेलेबल है, कुछ भी चाहिए हो होंडा का, जावा का, एसडी का, एवरीथिंग अवेलेबल एट योर ओन स्टोर जिसका नाम है रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड करोलबाग न्यू दिल्ली। तो जाते हुए वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।